गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम फिर से एक केबल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है क्रॉस केबल। इसके पहले की वीडियो के अंदर हमने स्ट्रेट केबल केबल बनाया था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्रॉस केबल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों क्रॉस केबल जब बनाते हैं तो सबसे पहले आपको उसका स्टैंडर्ड मालूम होना चाहिए, केबल लेना पड़ेगा। आपको एचटीपी यूटीपी केबल ले सकते हो, ओके, या फिर ये क्रिम्पिंग मशीन और एक हमारे पास RJ45 कनेक्टर होना चाहिए, तब जाके एक आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्रॉस केबल। तो क्रॉस केबल कैसे बनते हैं, तो क्रॉस केबल का स्टैंडर्ड आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा स्टैंडर्ड यहाँ पे चालू हो रहा है, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज से चालू हो रहा है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे ये केबल पे मैं स्टैंडर्ड चालू करूंगा ग्रीन व्हाइट ग्रीन। स्टैंडर्ड आपको मालूम होना ही चाहिए, अदरवाइज अगर आप नहीं, आपको मालूम नहीं है तो आप केबल नहीं बना सकते। तो चलो मैं केबल बना देता हूँ। तो केबल सबसे पहले हम यहां से करेंगे कट। हम ऑरेंज व्हाइट सॉरी ग्रीन व्हाइट ग्रीन ऑरेंज व्हाइट ब्लू, तो ब्लू केबल ये रहा, तो ब्लू को हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, ओके। और ब्लू व्हाइट यहाँ पे लेंगे ऑरेंज, एंड यहाँ पे ब्राउन व्हाइट है तो ब्राउन व्हाइट ब्राउन, ओके। तो ये केबल आपने इस तरह से अरेंज कर दिए सीक्वेंस में केबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और फिर आप केबल को क्या कर देंगे सीधा। देख सकते हो यहाँ पे केबल जो स्टार्ट हो रहा है, और ग्रीन व्हाइट ग्रीन ऑरेंज व्हाइट ब्लू और ब्लू व्हाइट ऑरेंज और ब्राउन व्हाइट ब्राउन। तो इस तरह से आपने केबल को सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, ओके। और फिर आप ये केबल को क्या करोगे, यहाँ से कट करोगे, ओके। तो क्रिम्पिंग टूल्स के द्वारा ये केबल को मैं यहाँ से कट करूंगा। ओके, तो केबल इस तरह से आपने कट करने के बाद आपको ये RJ45 जो कनेक्टर है वो आपको इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे का कवर जो है वहां तक उसको अंदर करना है। आप देख सकते हो केबल का जो कवर जो है वो भी अंदर जा सकता है। इससे क्या होता है, केबल की थोड़ी मजबूती बढ़ जाती है, केबल थोड़ा मजबूत हो जाता है, ओके। तो केबल इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज से ये स्टैंडर्ड को चालू किया है, ओके। और उसके दूसरे हिस्से पे आप देख सकते हो कि इसका जो दूसरा हिस्सा है, ओके, वहां पे हमने चालू किया है ऑरेंज। तो आप देख सकते हैं मैंने ये केबल जो बनाया है वो ग्रीन व्हाइट ग्रीन है, ओके, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से जो स्टैंडर्ड हो रहा है वो होता है ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज से, और यहाँ से जो केबल चालू हो रहा है वो आपका ग्रीन व्हाइट ग्रीन से, ओके। इसके बाद ये केबल को हम क्या कर देते हैं, क्रिम्प कर देते हैं। तो क्रिम्पिंग टूल्स यहाँ पे RJ45 कनेक्टर होता है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे केबल को इंसर्ट करोगे और केबल को पकड़ के आप उसको हल्के हाथों से जोर से आप उसको क्रिम्प करोगे। तो दोस्तों ये केबल मेरा यहाँ पे फिट हो गया, ये मेरा क्रॉस केबल बन गया। अब ये क्रॉस केबल का यूज करके आप जो कंप्यूटर के बीच में या कोई डिवाइस को कनेक्ट करना है तो आप उसका यूज कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से आप एक केबल स्टैंडर्ड यूज करके क्रॉस केबल बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।